हो गया? प्रिया प्लीज ओपन द डोर। कहाँ थे तुम सुबह से? पूरी दुनिया के कॉल आ गए सिवाय तुम्हारे। हैप्पी 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 बर्थडे। रहने दो, सब जानती हूँ मैं तुम्हारे बहाने। अरे यार, तुम तो जानती हो ना कि हमेशा की तरह तुम्हारे लिए इस बार भी तुम्हारा स्पेशल गिफ्ट प्लान करने में लगा हुआ था। पता है मुझे तुम और तुम्हारे स्पेशल गिफ्ट। चलो लाओ दो मुझे मेरा गिफ्ट। ऐसे नहीं जा पाना, और यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं। आज बात कुछ खास है, तो तुम्हारा स्पेशल गिफ्ट हमारी स्पेशल जगह पे। सो लेट्स मीट एट आवर फेवरेट स्पॉट शाम 5 बजे। अमन, यू आर स्केयरिंग मी। क्या खुराफा चल रही है तुम्हारे दिमाग में? हाँ, क्या खास बात है? विल टेल यू ना बाबा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा शाम को 5 बजे, प्लीज। ओके ओके बाबा, आई विल बी देयर। अभी मुझे जाना है, मेरे बच्चे मेरा वेट कर रहे हैं। सी यू सून, बाय। Happy birthday. Thank you. See you soon. अमन भी ना पागल है बिल्कुल। मेरा बचपन का दोस्त है, पर ये दोस्ती प्यार में कब बदली पता ही नहीं चला। मेरे हर बर्थडे पर कुछ ना कुछ गिफ्ट ले आता था, सरप्राइज गिफ्ट, एज इफ आई वोंट नो। पर उस दिन उसका गिफ्ट सच में बहुत सरप्राइजिंग था। जब देखो फोन। अब मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी से मुझे केक खिला दो। पहले मेरा सरप्राइज गिफ्ट दो, चलो। अरे देता हूं ना यार, पहले केक तो खिला दो। अमन, मुझे पता था ये एक ना एक दिन होगा, लेकिन ऐसे अचानक। वेरी स्मार्ट, हाँ बहुत सही दिन चुना है तुमने। प्रिया, क्या तुम ये केक और अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बांट सकती हो? बोलो, विल यू मैरी मी? अमन, I'm feeling like the luckiest girl in this world. But Aman, I want you to understand something, please. क्या हुआ, इरादा बदल गया क्या? नहीं स्टूपिड, मैं बस कुछ सोच रही थी। और तुम क्या सोच रही थी? अमन, एक्चुअली
इट्स अबाउट माय डैड। ये मेरी लाइफ का शायद सबसे बड़ा डिसीजन है। मैं ये फैसला अपने पापा के बिना नहीं ले सकती। ओह रिया, तो तुम्हारे पापा को तो बताना है ही। ये अपनी लाइफ का डिसीजन है यार। पहले तुम तो हाँ करो, उसके बाद चल के तुम्हारे पापा से भी बात कर लेंगे। अमन, I really love you a lot and I mean it। पर शायद तुम नहीं समझ सकोगे। और मेरे पापा की मेरी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, शायद मैं भी नहीं समझ पाती। अगर 5 साल की उम्र में मैंने मेरी माँ को नहीं खोया होता। Oh my dearest baby, my dearest pearl, come to mama. That's okay, relax. राहुल, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मुझसे एक वादा करो प्लीज, आखिरी बार मुझसे एक वादा करो। यार नेहा, तुम फिर शुरू हो गई। और तुम एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ। और मैं यही हूँ यार, हम बाद में बात करेंगे प्लीज। मेरी आंखें अब किसी भी वक्त बंद हो सकती है, इसीलिए मुझसे प्लीज वादा करो कि तुम मेरे जाने के बाद दूसरी शादी कर लोगे। मेरे लिए नहीं राहुल, मेरे लिए नहीं। नेहा तुम यार, राहुल तुम अभी नहीं समझोगे, रिया अभी बहुत छोटी है, पर जब रिया बड़ी हो रही होगी तब उसे एक माँ की बहुत जरूरत पड़ेगी। तब तुम उसे कैसे संभालोगे? नेहा प्लीज यार प्लीज। अब अच्छा ठीक है, तुम अभी परेशान मत हो, ओके? और कुछ नहीं होगा तुम्हें। वी बोथ विल टेक केयर ऑफ अवर पर्ल, ऑल राइट? यू'ल बी फाइन। रिया, रिया बेटा, हे, Why don't you come in and tell your mama to take a chill pill? देखो क्या शक्ल बना रखी है इन्होंने। नेहा, नेहा, डॉक्टर। सॉरी रिया, आज के दिन मैंने तुम्हारा मूड खराब कर दिया। अरे नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। माँ के जाने के बाद पापा और मेरी जिंदगी एक दूसरे में ही सिमट के रह गई थी, और ऐसे ही कुछ साल बीत गए। और जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी तब कुछ ऐसा हुआ जिसके लिए शायद ना वो तैयार थे और ना ही मैं। उस दिन पापा ऑफिस से घर आते वक्त लेट हो गए थे और मैं अपने ही घर में, अपने ही कमरे में बंद थी। रिया, डरी सहमी हुई सी। रिया प्लीज ओपन द डोर। रिया प्लीज बाहर आ जाओ, लेट्स कुक समथिंग। यार मुझे बहुत भूख लग रही है। रिया आर यू देयर? प्लीज ओपन द डोर बेटा। रिया क्या हो गया बेटा, आप नाराज हो गए हो क्या पापा से? व्हाट हैपेंड? देखो मैं आज बहुत बिजी था, आई एम सॉरी आई कुडंट टेक योर कॉल। व्हाट शुड आई डू? ओह यस, रियास क्लास टीचर। ओह माय गॉड, 13 मिस्ड कॉल्स। ओह गॉड 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 गॉड।
हेलो हेलो या मिस रजनी, मैं राहुल बोल रहा हूँ, रियाज फादर। मिस्टर राहुल, कहाँ है आप? या मैंने आज दिन में आपको कितने कॉल्स किए, आपने फोन ही नहीं उठाया। वो एक्चुअली आई होप आप रिया के साथ। हाँ, मैं रिया के साथ ही हूँ, बट मैम अब मुझे रिया के बारे में बहुत जरूरी बात करनी थी। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहती थी कि आज स्कूल में रिया को पीरियड स्टार्ट हो गए। वैसे सब नॉर्मल है, घबराने की कोई बात नहीं। हमने उसको घर ड्रॉप करवा दिया था और कुछ इनिशियल फर्स्ट एड भी दे दिया था। हाँ, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि आप उसको अपने फैमिली डॉक्टर से मिलवा दें और उसको इस सिचुएशन में अडैप्ट होने के लिए थोड़ा सपोर्ट करें। जी, she'll be all right. See, Mr. Rahul, it's all natural. Rhea is a big girl now. See, I know Rhea doesn't have her mother, but I really believe that you will take care of her. But first of all, just talk to her and try to make her comfortable. Sure, ma'am. जी। You can call me for any help in that case. Bye, Miss Rajni, and thank you so much. Take care. Rhea को period start हो गए। Rhea is a big girl now. Just talk to her. Rhea. प्लीज बेटा दरवाजा खोलो। देखो मैंने अभी तुम्हारी क्लास टीचर से बात की है एंड आई अंडरस्टैंड कि क्या हुआ है। प्लीज बेटा, इट्स ऑल ओके, प्लीज कम आउट एंड टॉक टू पापा। रिया, बेटा पापा सब ठीक कर देंगे, प्लीज ओपन द डोर फॉर गॉड सेक। बेटा आप सुन रहे हो मुझे? प्लीज कम आउट रिया। रिया बेटे, प्लीज कम आउट। सी, इट्स ऑल फाइन। रिया बेटा देखो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, एक लेटर है जो तुम्हारी मॉम ने लिखा था बेटा, तुम्हारे लिए खास आज के दिन के लिए। प्लीज रिया बेटा, अब गेट खोलकर बाहर आ जाओ और अपनी मॉम का ये लेटर तो ले लो। अच्छा चलो एक काम करते हैं, मैं ये लेटर पढ़ता हूं और तुम सुन लो। बेटा अगर तुम मेरी आवाज सुन रही हो तो एटलीस्ट दरवाजे पर एक टैप तो कर दो और मैं लेटर पढ़ना शुरू कर दूंगा। जब पापा वो लेटर पढ़ रहे थे तो बीच बीच में रुक के मुझे बहुत प्यार से पूछते, रिया बेटा सुन तो रही हो ना? और मैं उनके जवाब में दरवाजे पे नॉक कर देती या हूं कह देती। आपको थोड़ा अजीब लगे पर माँ ने उस लेटर में वो सारी बातें लिखी थी जो एक माँ अपनी बेटी को समझाती है जब उसके पीरियड्स शुरू होते हैं। वो छोटी छोटी डिटेल्स, किन चीजों का ध्यान रखना है, अपना ख्याल कैसे रखना है, उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी माँ मुझसे बात कर रही है। जब वो दरवाजा खोल के मैं बाहर आई तो सामने पापा खड़े थे एंड आई जस्ट रैन इनटू हिम एंड आई वाज फीलिंग सो लाइट एट दैट मोमेंट। पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि मैं माँ को ज्यादा मिस कर रही हूँ या अपने अपने पापा के और करीब आ गई हूँ। सॉरी, थोड़ा इमोशनल हो गया। अमन को जब मैंने ये किस्सा सुनाया तो वो भी बहुत सेंटी हो गया था। तुम ठीक कह रही थी रिया, आज से पहले मैं शायद समझ ही नहीं पाता कि तुम्हारे पापा तुम्हारी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट है, कितने स्पेशल है।
मुझे किसी बात की जल्दी नहीं है। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। चलो, बहुत देर हो गई है, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूं, बाकी बातें हम लोग रास्ते में कंटिन्यू करते हैं। ओके ओके। अमन, उस दिन के बाद से लेकर आज तक पापा ने कभी मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। तुम सच में बहुत लकी हो। अमन, मेरे पापा ने जितना मेरे लिए आज तक किया है, तुम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अच्छा, एक सिंपल सा सवाल पूछती हूँ तुमसे, सच सच बताना। पूछो। तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करते हो ना? बहुत। क्यों? तुम उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी, एनीथिंग फॉर हर। लेकिन बात क्या है? तो क्या उसके अगले पीरियड्स पे उसको एक पैकेट सैनिटरी पैड्स का लाकर दे सकते हो? टेल मी, कैन यू बाय अ पैकेट ऑफ सैनिटरी पैड्स सबके सामने? Just for her and give it to her whenever she needs. Riya, actually, मैंने आज तक ऐसा कुछ किया नहीं है, मतलब कि सच में कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। यही सोच तो बदलनी है रमन। तुम्हें पता है, आज तक मेरे पापा ने मुझे हमेशा सैनिटरी पैड्स लाके दिए, हर बार बिना किसी शर्म के, बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचते हैं। अमन, उन्होंने मेरे लिए वो सब किया जो एक माँ करती है। और शायद इसीलिए पापा ने कभी शादी नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि शायद उससे मेरे लिए उनका प्यार कम हो जाएगा। अब तुम ही बताओ अमन, मैं अपनी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन उनकी मर्जी के बिना कैसे ले सकती हूँ? लाओ, ये रिंग मुझे दो। क्यों, इरादा बदल गया तुम्हारा? जी नहीं, इरादा बदला नहीं है मैडम, बल्कि अब तो और ज्यादा मजबूत हो गया है। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि मैं इस रिंग को लेके दोबारा इस संडे आऊं और फिर से प्रपोज करूं, और इस बार तुम्हें नहीं, तुम्हारे पापा को। I love you, Riya. चलो, अब तुम अंदर जाओ और पापा से कहना कि तैयार रहें। मैं संडे पापा से मिलने आऊंगा और उनसे कह दूंगा कि now and forever, I will take care of your pearl. रिया, हाँ, यही वाला है ना? हाँ। इसका बड़ा पैक ले लूँ? There is some good discount on it. हाँ बाबा, ले लो, but last time तुमने गड़बड़ कर दी थी, just take the regular size. ओके बाबा, ओके। भैया, इसका बड़ा वाला पैक मिलेगा क्या?
एक मिनट भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? आप ये इसे इसलिए रैप कर रहे हैं ताकि हम इसे छुपा के लेके जा सके। ठीक है ठीक है भैया, एक काम कीजिए, ये पेपर आप रख लीजिए और ये हमें आप ऐसे दे दीजिए, हम इसे ऐसे ही ले जाएंगे, आखिर इसमें छुपाने जैसा क्या है। क्या है यार, ऐसे भी लोग आते हैं? And that's the way it should be, no? पर सब लोग ऐसे क्यों नहीं हो सकते? वैसे तो बड़ा इंटेलेक्चुअल बनते हैं, पर पीरियड्स और सैनिटरी पैड्स के बारे में नॉर्मल वे में बात नहीं कर सकते। क्यों पब्लिक में सैनिटरी पैड्स का पैकेट मांगते वक्त लोगों की आवाज धीमी हो जाती है? क्यों उस दिन वो मेडिकल स्टोर वाला आदमी हमें इतनी अजीब नजरों से देख रहा था? क्यों? पर मैं लकी हूं क्योंकि मेरे पापा और अमन ऐसे नहीं है, और उनके बीच में पता है क्या चीज कॉमन है, कि वो बहुत ओपन माइंडेड है। एंड दैट्स व्हाई आई लव देम, एंड आई रियली विश वी कुड हैव मोर सच पीपल अराउंड अस। पता है उस दिन जब वो दरवाजा सिर्फ वो दरवाजा नहीं खुला था, एक शेल खुला था जिसमें से एक पर्ल बाहर आई थी, एक नई पर्ल बाहर आई थी, मैं। और आप लोग सोच रहे होंगे ना कि अगले दिन मैंने पापा से माँ का वो लेटर मांगा कि नहीं मांगा? मैंने मांगा था, पर पता है पापा ने मुझे क्या कहा? कि ऐसा कोई लेटर था ही नहीं। वो जो भी कुछ बोल रहे थे सब अपने मन से बोल रहे थे।